हेलो फ्रेंड्स, फ्यूजन किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप अभी सब्सक्राइब करें। हमारी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को जरूर क्लिक करें। और फ्रेंड्स, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बना रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप एकदम आसानी से दही वाली अरबी की सब्जी कैसे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनती है और इतनी आसानी से यह बन जाती है, जल्दी से आप इसको बना सकते हैं। और आप इसे चाहे राइस के साथ खाएं या चपाती के साथ, आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप इसकी ग्रेवी की टेक्सचर देखिए, कितनी अच्छी ये बनती है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हमने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है, 4 टेबलस्पून के करीब हमने लिया। इसको हमने पहले से जला के ठंडा कर लिया था ताकि इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप दूसरा कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम हमने अब मीडियम कर दी है। ये ऑयल अच्छा गर्म हो गया इस टाइम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने अरबी ली है, ये 1/2 kg क्वान्टिटी हम यूज़ कर रहे हैं। इसको हमने अच्छे से पहले धो लिया था और वैसे सुखा के कट कर लिया पीसेज में। ये देखिए, पहले हमने अरबी को फ्राई करना है। हम इसको डाल देते हैं। एक बार मिक्स कर देते हैं। ऐसे आप पहले फ्राई कर लें अरबी को और फिर ग्रेवी में ऐड करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही सिंपल तरीके से ये सब्जी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको हम तब तक फ्राई कर लेते हैं जब तक ये थोड़ी अच्छी क्रिस्प ना हो जाए। ये अरबी अच्छे से फ्राई हो गई है, इसको अब हम निकाल लेते हैं। साइड से थोड़ा टिका लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये सारी अरबी के पीसेस हमने निकाल लिए हैं। अब आगे इसी ऑयल में हम सब्जी बनाते हैं। फ्लेम अभी लो कर देंगे क्योंकि ऑयल बहुत तेज गर्म है। सबसे पहले हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून हमने डालना है। और साथ ही 1/2 टीस्पून इसमें मस्टर्ड सीड्स ऐड कर देंगे। और एक हमने बड़ा प्याज लिया था, इसको हमने ब्लेंड कर लिया था थोड़ा सा पानी मिला के, वो डाल देते हैं। इसको मिक्स कर देते हैं और 4 से 5 मिनट इसको हम ऐसे ही कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं प्याज को भी ऐसे कुक होते हुए और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम। हम फ्लेम लो कर देंगे अभी। और इसमें हम 3 टमाटर हमने यहाँ पे लिए ब्लेंड करे हुए, ये भी डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इनको भी अब मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट और कुक करेंगे ताकि जो टमाटर है उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं टमाटर डाल के भी कुक करते हुए। इस टाइम आप देखिए, ऑयल भी आ गया ऊपर साइड्स में और टमाटर भी अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। फ्लेम हम अभी लो कर देंगे और इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ी सी इसमें हींग डाल देते हैं, 1/4 टीस्पून हमने डाली है। 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन डालेंगे। जब भी आप अरबी बना रहे हैं आप अजवाइन जरूर डाला करें। साथ ही इसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून हमने डाला है। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और इसमें कुछ कड़ी पत्ते डालेंगे। मिक्स कर देते हैं एक बार मसालों को। ये सारे मसाले डालते ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कलर भी आप देखिए कितना अच्छा आ रहा है मसाले का। अभी हम मीडियम कर देते हैं फ्लेम। और अब हमने इसमें दही डालनी है। ये हमने अच्छे से फेंट के स्मूथ कर ली थी, 1/2 कप हमने ली थी दही। दही डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट इसको चलाते हुए कुक करना है। इसको चलाते हुए कुक करना जरूरी है, नहीं तो दही जो है वो फट सकती है। देखिए, दही डाल के भी कलर एकदम चेंज हो गया ग्रेवी का। 3 से 4 मिनट हो गए हैं ऐसे दही डाल के भी हम कुक कर रहे हैं और चलाते हुए हमने कुक किया। इस टाइम आप देखिए, ऑयल भी ऊपर आ गया। अभी हम इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है। अगर आपको लगेगा कि पानी कम है तो आप बाद में और भी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग अब इसमें नमक डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना हमने। देखिए कितना सिंपल है इसको बनाना। इसको आप ये सब्जी को चावल के साथ भी खाएं या रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगी। एक बॉईल आने का वेट करते हैं इसमें। इस टाइम पे आप देख सकते हैं अच्छा बॉईल आ गया है ग्रेवी में। हम इसमें अरबी डाल देते हैं जो हमने पहले से फ्राई करी थी। मिक्स कर देते हैं अच्छे से और 5 मिनट इसको हम ऐसे कुक करेंगे जिससे फ्लेवर सारे अच्छे से अरबी में भी आ जाएंगे।
5 मिनट्स हो गए हैं अरबी डाल के भी ऐसे कुक करते हुए, और आप देखिए कितनी अच्छी ये सब्जी लग रही है। ग्रेवी की आप टेक्सचर भी देखिए, ये अच्छे से सारे फ्लेवर्स भी आ गए हैं अरबी में। ये सब्जी बनकर इस टाइम एकदम तैयार हो गई है, हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। आपने देखा कितनी जल्दी से ये बन गई है, और खाने में तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप इसको जरूर बना के ट्राई करें, चाहे रोटी के साथ आप इसको खाएं या राइस के साथ खाएं, आप इसको लेकिन बनाएं और आप हमें जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप अभी सब्सक्राइब करें। हमारी रेसिपीज और वीडियोज आपको पसंद आ रही है तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।